भारत में हमने कोविड के दौरान हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का कैपेसिटी एनहैंसमेंट किया है। हम ट्रेस, टेस्ट, ट्रैक, ट्रीट एंड टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे हैं। ये स्ट्रैटेजी टीबी के खिलाफ हमारी लड़ाई में भी काफी मदद कर रही है। भारत की इस लोकल अप्रोच में बड़ा ग्लोबल पोटेंशियल मौजूद है, जिसका हमें साथ मिलकर इस्तेमाल करना है। आज टीबी के इलाज के लिए 80% दवाएं भारत में बनती हैं। भारत की फार्मा कंपनियों का यह सामर्थ्य टीबी के खिलाफ वैश्विक अभियान की बहुत बड़ी ताकत है। मैं चाहूंगा भारत के ऐसे सभी अभियानों का, सभी इनोवेशंस का, आधुनिक टेक्नोलॉजी का, इन सारे प्रयासों का लाभ ज्यादा से ज्यादा देशों को मिले, क्योंकि हम ग्लोबल गुड के लिए कमिटेड हैं। इस समिट में शामिल हम सभी देश इसके लिए एक मैकेनिज्म डेवलप कर सकते हैं। मुझे विश्वास है हमारा ये संकल्प जरूर सिद्ध होगा। यस वी कैन एंड टीबी। टीबी हारेगा, भारत जीतेगा। और जैसा आपने कहा, टीबी हारेगा, दुनिया जीतेगी। साथियों, आपसे बात करते हुए मुझे एक बरसों पुराना वाक्य भी याद आ रहा है। मैं आप सभी के साथ इसे शेयर करना चाहता हूं। आप सब जानते हैं कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने लेप्रसी को समाप्त करने के लिए बहुत काम किया था। और जब वो साबरमती आश्रम में रहते थे, एक बार उन्हें अहमदाबाद के एक लेप्रसी हॉस्पिटल का उद्घाटन करने के लिए बुलाया गया। गांधी जी ने तब लोगों से कहा कि मैं उद्घाटन के लिए नहीं आऊंगा। गांधी जी की अपनी एक विशेषता थी, बोले मैं उद्घाटन के लिए नहीं आऊंगा। बोले मुझे तो खुशी तब होगी जब आप उस लेप्रसी हॉस्पिटल को ताला लगाने के लिए मुझे बुलाएंगे, तब मुझे आनंद होगा। यानी वो लेप्रसी को समाप्त करके उस अस्पताल को ही बंद करना चाहते थे। गांधी जी के निधन के बाद भी वो अस्पताल दशकों तक ऐसे ही चलता रहा। साल 2001 में जब गुजरात के लोगों ने मुझे सेवा का अवसर दिया, तो मेरे मन में था कि गांधी जी का एक काम रह गया है ताला लगाने का, चलिए मैं कुछ कोशिश करूं। तो लेप्रसी के खिलाफ अभियान को नई गति दी गई और नतीजा क्या हुआ, गुजरात में लेप्रसी का रेट 23% से घटकर के 1% से भी कम हो गया। साल 2007 में मेरे मुख्यमंत्री रहते वो लेप्रसी हॉस्पिटल को ताला लगा, हॉस्पिटल बंद हुआ, गांधी जी का सपना पूरा किया। इसमें बहुत से सामाजिक संगठनों ने, जनभागीदारी में बड़ी भूमिका निभाई। और इसलिए ही मैं टीबी के खिलाफ
भारत की सफलता को लेकर बहुत आश्वस्त हूं।